नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी बीजेपी कार्यालय के पास हूँ। यहाँ पे आए दिन पटना में स्टूडेंटों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है, कभी इनकम टैक्स गोलंबर, कभी गांधी मैदान। आज बीजेपी कार्यालय के पास बिलेट्रॉन के कुछ छात्र हैं जिनकी वैकेंसी नहीं हो पाई है, उनसे आइए बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है। आपकी क्या समस्या बताइए, बीजेपी कार्यालय के पास खड़े हैं आप लोग, क्या समस्या आपकी? हम एक बिलेट्रॉन छात्र हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। हाँ, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, जैसे कि वो सम्राट चौधरी, एक न्यूज के माध्यम से पता चला था कि सम्राट चौधरी बोले थे कि मतलब 8000 सीट है पंचायती राज विभाग में, एक एक कार मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है। तो उसी के माध्यम मतलब वही लाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, मतलब कि सीट निकलवा। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। 8000 सीट था, उसी के हम लोग संदर्भ में आए थे कि अभी तक बिलेट्रॉन इस पे कोई यही लिया नहीं, एक्शन नहीं लिया। हम लोगों का जो पैनल है 73, आप लोग इतना जमावड़ा है पर आप लोग में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। हम लोग 2 साल से आवाज दो, हम सब एक है। आवाज दो, हम सब एक है। देखिए, हम लोग बिलेट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर है। हम लोग को फाइनल मैरिट लिस्ट मार्च 2020 में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन अभी तक हम लोग को पूरी तरह से ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर 7311 है, जिसमें से लगभग 2000 का ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग लगभग 5000 बिलेट्रॉन कैंडिडेट्स है जो ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग कई मंत्री जी से मिले हैं, कई विभाग से मिले हैं। जब हम लोग यहाँ किन से मिले हैं? हम लोग यहाँ माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अपने मुखार बिंदु और पत्राचार से कहे थे कि बिहार के विभिन्न जिलों में प्रत्येक पंचायत में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी जो बिलेट्रॉन से होगी। तो इसीलिए हम लोग सर से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि हम लोग को जल्द से जल्द बिलेट्रॉन से अध्याचना किया जाए, ताकि हम लोग को जो बचे हुए बिलेट्रॉन कैंडिडेट्स है हम लोग को ज्वाइनिंग हो। क्योंकि सरकार कहती है कि हम लोग 19 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन हम लोग मात्र 7311 बिलेट्रॉन कैंडिडेट्स है जो हम लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो सिर्फ झूठी आश्वासन ही मिलता है। इसलिए हम लोग सभी जो बिलेट्रॉन कैंडिडेट्स है, हम लोग ज्ञापन दे करके हम लोग जो अध्याचना करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बिहार के सभी विभिन्न जिला से आए हैं, ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग हो और हम लोग को रोजगार मिले। इसी के लिए बहुत बहुत आगे क्या आप लोग कीजिएगा? मान लीजिए मंत्री नहीं मिलते, सारे को ऑफर लेटर आया हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर का कोई नाम पता नहीं है। 2 महीना से मैं बैठा हुआ हूँ, ऑफर लेटर आया हुआ है, लेकिन उसका कुछ नहीं। अगर ऑफिस फोन करे तो बस काम चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो इसका काम हो रहा है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। आप लोग क्या चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? हम लोग को मांग यही है, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? समस्या जहाँ तक गिनाने की कोशिश करें हम लोग, अगर हम लोग समस्या गिना है तो सर समस्या इतना है कि आपका पूरा सर, अगर समस्या हम अगर गिना है तो सर समस्या हमारे पास इतनी है सर। जिले में जाते हैं डीएम सर के पास तो वहाँ पता चलता है कि बिलेट्रॉन क्या है, उनको सर पता ही नहीं है। दूसरा चीज, वहाँ से अध्याचना आती नहीं है, बिलेट्रॉन का मेरे पास सीट नहीं है। जब सीट नहीं था तो सर 7311 स्टूडेंट का पैनल बनाने की क्या आवश्यकता थी? वैकेंसी क्यों निकाला? जब वैकेंसी क्यों निकाला? इंग्लिश लेटर घर पे आया हुआ है पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। नहीं, मेरा ज्वाइनिंग 3 महीने से मेरा ऑफर आया हुआ है, ऑफर आया हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर भेज नहीं रहा। डिपार्टमेंट जा करके पता किए तो बोला सीट तो यहाँ से लेटर सबको मिला है, ऑफर नहीं मिला है। मात्र 200-250 लोगों को, 200 छात्र को मिला है ऑफर लेटर, पर उनको ज्वाइनिंग कन्फर्म नहीं हुआ। और 6000 जो पेंडिंग में है लोग, उनको तो बात ही मत कीजिए सर। मतलब 2 साल मायने रखता है सर, 2 साल से हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मायने रखता है। हम लोग इरिटेट हो चुके हैं सर, वैकेंसी क्यों निकाल। जैसा कि आप देख रहे थे, अजब बिहार की गजब कहानी चालू है। कल SC ST के छात्रों को देखे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्हें जॉब से अभी तक वो वंचित है। उसी तरह आज बिलेट्रॉन के छात्र है, डाटा एंट्री, जिनके बहुत सारे छात्रों को ऑफर लेटर आ गया पर उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिला है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।